गवर्नमेंट के और भी पॉलिटिकल पार्टी अपन चुनावी समर भूमि में चुनावी प्रचार में अपन अपन वक्तव्य के रखलक। वही हिसाब से देश में संवैधानिक तौर से प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी अपन एजेंडा के हिसाब से अपन अपन वक्तव्य के रखेला। हमारेर कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारा पश्चिम बंगाल लगायत चमचे ग्राम पंचायत कर भुत्रे बनाहट ब्लॉक कर भुत्रे भी तीन एजेंडा के लेके उबेर कर पंचायती चुनाव में अपन प्रतिद्वंदिता करेकर अमीन आई अमीन कर एजेंडा तीन तो है। एक तो सर्वप्रथम एजेंडा है दादागिरी मुक्त चमची ग्राम पंचायत का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का वादा है। दूसरा हमारा भ्रष्टाचार दुर्नीति करप्शन मुक्त चमची ग्राम पंचायत भारतीय जनता पार्टी का इस बार का सबसे बड़ा एजेंडा है। तीसरा कुशासन मुक्त सारा पश्चिम बंगाल में आम गरीब जनता का हक और अधिकार को दिलाने का वादा भारतीय जनता पार्टी का। अब बता दे ये दादागिरी शब्द को लेके ये भ्रष्टाचार शब्द को लेके ये कुशासन शब्द ये तीन एजेंडा को लेके भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ रहा है? आप लोग को बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ये तीन एजेंडा क्यों है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी का सरकार में गणतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है गणतंत्र नाम का। गणतंत्र का रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोधी दल से लेकर तमाम पश्चिम बंगाल का विरोधी दल हाईकोर्ट का शरण में जाने का बाद में आज का डेट में पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से नॉमिनेशन और ये प्रचार करने को मिल रहा है। आपको मालूम है दादागिरी माने क्यों, दादागिरी मुक्त ग्राम पंचायत हमारा क्यों लक्ष्य है? क्योंकि आपको मालूम है 2018 का पंचायत इलेक्शन का मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय सारा पश्चिम बंगाल में जो संतरा चला, सारा पश्चिम बंगाल का भीतर में जो छप्पा वोट चला, संविधान का दिया हुआ हमारा बीआर अंबेडकर साहब का द्वारा जो संविधान हमको अधिकार देता है राइट टू वोट, वोट लगाने का अधिकार, मत का अधिकार, जिससे 2018 में संपूर्ण बंगाल का गणतंत्र प्रेमी जनता लगाए चमरची ग्राम पंचायत का जनता को वंचित किया गया। चमरची ग्राम पंचायत का चमरची से लेके फॉरेस्ट बस्ती से लेके चमरची बगान से लेके चेक पोस्ट में नंगा नाच पीएनसी का दादागिरी करके वोट को लूट के 2018 में चमरची ग्राम पंचायत को दखल किया गया। गणतंत्र का हत्या हुआ, गणतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, संविधान को पैर का नीचे जूता तले रोक के आम गरीब जनता का जो मताधिकार करने का अधिकार था, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दो, चाहे सुप्रीम को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे टीएमसी को दो, चाहे बीजेपी को दो, आपको जिसको पसंद है आप उसको वोट लगाने का जो राइट टू वोट भारत का संविधान दिया है, उस संविधान से टीएमसी पार्टी का तोला मोला चोर पार्टी का गुंडा बाहिनी हम लोग वंचित किया, हम लोग को रोका गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रथम एजेंडा है दादागिरी मुक्त पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत का व्यवस्था जनगण के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इससे हम लोग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। 8 जुलाई का दिन दिखा देंगे टीएमसी का कितना बड़ा गुंडा बाहिनी है, पुलिस का दम में बूथ को लूट सकेगा। उसका लिए भारतीय जनता पार्टी का तमाम लीडरशिप से लेकर उम्मीदवार से लेकर जनगण एक जगह में खड़ा होके टीएमसी का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहना चाहता है
ये दादागिरी बहुत हुआ टीएमसी का, अब ये एक मौका है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये ममता सरकार का, भ्रष्टाचारी सरकार का, गुंडा सरकार को खत्म करके चमरची ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त, दादागिरी मुक्त, दुर्नीति ग्रस्त मुक्त पंचायत को जनगणना को जनगण को देने के लिए व्यवस्थित करने का ये एक बड़ा मौका है। इसलिए आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 8 जुलाई को जो होने जा रहा है, हमारा 251 से भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी सबिता लोहार, 252 पार्ट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमारा सीमा मिंज बहन, साथ ही साथ हमारा पंचायत समिति पीएस 21 से प्रताप कछुआ जी, और हमारा JP3 जिला परिषद से आपका सामने का भाई दादा सबका नजदीक का महेश्वर महली जी को भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल साहब में वोट दे के जयजुक्त करने का आह्वान करते हैं। चलेगा आज उनके बेटी गलत आयुष्मान भारत कर या सुविधा जरूर गरीब आदिवासी गरीब गोरखा श्रमिक मन पातक तो कहा सुविधा रलक, स्वास्थ्य कार्ड भी पातक, स्वास्थ्य साथी भी पातक, आयुष्मान भारत भी पातक, लेकिन स्वास्थ्य साथी तो देलक अपन नाम के बढ़ाई के लिए, लेकिन स्वास्थ्य साथी कार्ड तो सिलीगुड़ी कर कोनो नर्सिंग होम में जावे तो नहीं चलेगा, उकर कोनो डॉक्टर वैल्यू नहीं दिया थे का आशा करू, जे पार्टी कर मंत्री से लेके संतरी से लेके तंत्री तक सब भ्रष्ट है करप्टेड है। आज ममता बनर्जी कर राइट हैंड जे शिक्षा मंत्री पहले कर शिक्षा मंत्री एक अंकर ममता बनर्जी कर कैबिनेट कर मंत्री पार्थ चैटर्जी पार्थ चट्टोपाध्याय कर घर में करोड़ों करोड़ों कर 2000 कर करोड़ों करोड़ों गिने भी नहीं सका बाबिन, इतना पैसा उनकर घर में मिला, सब देख लग तो टीवी में, सब देख लग तो फेसबुक में, सब देख लग तो यूट्यूब में, इतना करोड़ों करोड़ों रुपया गाड़ी गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी गणेश मिसाइल के मिशीन लाइन के वहां से पार्थ चैटर्जी कर घर से कलकत्ता से जब्त कर लग, आज उनका आज वो जेल में है, आज ममता बनर्जी का सबसे पसंदीदा होकर सबसे लेफ्ट हैंड अनुब्रत मंडल जे की कैस्टो आज कैस्टो का है पशु तस्करी में बालू तस्करी में माटी तस्करी में ऐसा चीज ना के जो टीएमसी नीचो रहा है उमन्ने जदि पृथ्वी का सब चीज कर घोटाला करके एखन अब एक दो चीज है अब दूसरा गांव में जाए के भी उमन घोटाला करे करे एक तो स्कीम चलाते सब तो खत्म कर देलक शिक्षा खत्म कर देलक बालू खत्म कर देलक माटी खत्म कर देलक कोनो चीज ही नहीं बचे आज जे आदमी कर भीतर में जे त्रासदी फैले आज शिक्षा नीति घोटाला कर के उदाहरण देबू रौरे मन का सबके मालूम है ई जे राज्य शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी कर बेटी आज जब कोर्ट में केस होलक हाई कोर्ट में उकर बेटी कर जे कुछ बिहार में माध्यमिक पर स्कूल कर शिक्षक रलक वो घोटाला कर के घूस दे के मंत्री कर बेटी है कह के जे पालक आज उकर नौकरी बर्खास्त हो गेलक हाई कोर्ट ऑर्डर दे के उके नौकरी से निकाल देलक उसने। दूसरा अनुब्रत मंडल कर जेकर बेटी एग्जामे नहीं लिखलक टेटी नहीं बैठलक टेट बने का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होला कोनो भी शिक्षक कर नौकरी पाए कर आगे एक तो टेट एग्जाम होला वो टेट एग्जाम भी नहीं बैठलक वो इंटरव्यू भी नहीं बैठलक लेकिन मंत्री कर बेटी है ममता बनर्जी कर पार्टी कर बेटी है कह के उके नौकरी पालक उकर नौकरी भी हाई कोर्ट से लेकर बीजेपी पार्टी कर आंदोलन कर कारण से बर्खास्त कर दिलक तो रोरे मनसिक हमार एक तो अपील है आज देखा गरीब चाय बगान कर मजदूर मने जे खाए के नी खाए के बीज के गोजर कर डर से बालू कुकुर कर डर से बाघ कर डर से बगान में जाए के हमें
गाम पानी नी कर के हम इन जे कमाती हम इनकर बच्चा मन के अच्छा स्कूल में पढ़ाई के ग्रेजुएट करके मास्टर्स करके बीएड करके एमएड करके लोन में पैसा निकाल के आज जे हम इन शिक्षा व्यवस्था देवती लेकिन नौकरी हम इनके नी मिलाती। नौकरी के मिलाती टीएमसी पार्टी कर चोर मंत्री टीएमसी पार्टी कर नेता मन का छवा जे एग्जाम पास नहीं कर रहा उके 35 लाख 30 लाख घूस दे के टीएमसी पार्टी आज नौकरी देवाते सर्वाधिक तक मैं कोनो झूठ नहीं बोला तो इन सर्च करा टीवी देखा हर एक आदमी जाना थे वही रोरे मन से अनुरोध है ये भ्रष्ट पार्टी के ये एक तो मौका है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जेकर में ये भ्रष्ट ये दादागिरी ये कुशासन मुक्त ग्राम पंचायत जनगण कर लागिन हम कर भारतीय जनता पार्टी कर वादा है वोले मोर दादा मोर भाई मोर श्रमिक साथी सब सब से मोर आयो गोगो मोर हिली सब से मोर विनम्र निवेदन है सबके मौका देला तो टीएमसी के 35 साल देला टीएमसी का भ्रष्टाचार सरकार के 10 साल से देखते आ था एक बार रौरे मन से हम इनका अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के मौका दिया जे पार्टी शानदार तरीका से सबकर साथ सबकर विकास कर नाम से आज सारा हिंदुस्तान के चला सकी तो हमें चमरची ग्राम पंचायत के आराम से चला सकी काले की भारतीय जनता पार्टी कर हमर प्रत्येक उम्मीदवार से लेके प्रत्येक नेता ईमानदारी कर साथ में प्रतिबद्धता जना थी काले की ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद में फंड कर कोनो कमी नखे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से करोड़ों करोड़ों रुपया आवेला सबसे बड़का बात है ग्राम पंचायत के ईमानदारीता का साथ में अच्छा मनोबल इच्छा शक्ति के राख के चलाए कर एक तो परिकल्पना चाहिए एक तो मैनेजमेंट स्कीम कर व्यवस्था है कोनो हाथी घोड़ा नखे जे टीएमसी कर खाली नेता चला सकी हम इन भी पढ़ा लिखा है हम इनकर प्रत्येक मेंबर पढ़ा लिखा है हम इन ग्राम पंचायत कर व्यवस्था में जदि तो इन हम इनके लाना था तो ईमानदारीता के साथ में उजे प्रधान ऑफिस कर भीतरे में जे सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव जे मैकेनिज्म रहेला जे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेला ईमानदारीता कर साथ में हम इन काम करब नहीं तो सब हम इनके साथ दे हुई जदि टीएमसी कर भ्रष्ट नेता कर जैसन मोके प्रत्येक रोड बनाते वहां मोके 25% कमीशन लागी ड्रेन बनाते कंट्रेक्टर से जदि मोई आगे ही 15% 20% मांगबू पॉकेट भरबू तो ऊ कैसन रोड बनाई सब जाना थे तो करोड़ों रुपया आवा थे प्रधानमंत्री आवास योजना कर तरफ से आवा थे प्रधानमंत्री सड़क योजना में आवा थे बीएडीपी फंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से करोड़ों करोड़ों रुपया ये बॉर्डर में आवते सबसे बड़का बात है केकर पास में इच्छा शक्ति है और ईमानदारीता है यदि हम इन कोनो भी कंट्रेक्टर से कोनो भी एग्जीक्यूटिव लेवल कर डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर से हम इन नी झुकब यदि मोर प्रधान सही रही यदि मोर मेंबर सही रही यदि मोर पंचायत समिति सही रही तो वीडियो चाहे एसडीओ चाहे कोनो भी आदमी या भ्रष्टाचार करे नहीं सकी काले की मुई खुद नेता जदि कमीशन कर पीछे धंधाबाजी कर पीछे नहीं जाबू तो 20 लाख कर सड़क आवी नहीं कोनो भी कंट्रेक्टर कर हिम्मत न के कि 20 लाख कर रोड के 5 लाख में खत्म करके नेता के 5 लाख देवी और वहां कर जे इंफ्रास्ट्रक्चर कर जे एग्जीक्यूटिव रही जे भी रही उमन के पैसा खियाए के कोनो भी जगह नहीं रही वही ले रोरे मन से कहो तो पंचायत चलाइक में उतना हाथी घोड़ा नखे ईमानदारीता कर साथ में मैनेजमेंट स्किल कर साथ में यदि हम काम करब प्रतिबद्धता कर साथ में जनता कर लागिन पैसा कर कोनो कमी नखे कहो तो मैं ठीक है मौका दे एक बार सबके देख ला तो इन जे पार्टी देश के चला सकेला जे पार्टी कोविड कर समय में गरीब जनता कर लागिन फ्री में राशन दे सकेला एखन तुरुक सबके बचा सकेला तो भारतीय जनता पार्टी चमरची ग्राम पंचायत के भी ईमानदारीता कर साथ में प्रतिबद्ध हो के हम इन चला के लिए कटिबद्ध आई इतना ही कहते हुए आगामी 8 जुलाई के
हमार नूडल्स डिवीजन कर 251 252 से सविता लोहार और सीमा मीन्स पंचायत समिति से प्रताप कछुआ और हमार जिला परिषद हमार उम्मीदवार महेश्वर मौली के तो अपन विपुल वोट से जो जुक्त करा और दादागिरी भ्रष्टाचार और कुशासन मुक्त चमरची ग्राम पंचायत कर व्यवस्था के लाने में हम इनके सहयोग करा। इतना ही कहते हुए और अपन वक्तव्य के यहाँ विराम देवत हो। सबके जोहार, जय गोरखा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।